निर्गमन अध्याय 31। निर्गमन अध्याय 31। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, सुन, मैं ऊरो के पुत्र बसलेल को, जो हूर का पोता और यहूदा के गोत्र का है, नाम लेकर बुलाता हूं, और मैं उसको परमेश्वर की आत्मा से जो बुद्धि, प्रवीणता, ज्ञान और सब प्रकार के कार्यों की समझ देने वाली आत्मा है परिपूर्ण करता हूं, जिससे वह कारीगरी के कार्य बुद्धि से निकाल निकाल कर सब भांति की बनावट में, अर्थात सोने, चांदी और पीतल में, और जड़ने के लिए मनी काटने में और लकड़ी के खोदने में काम करे। और सुन, मैं दान के गोत्र वाले अहिसामक के पुत्र ओहोलियाब को उसके संग कर देता हूं, वरन जितने बुद्धिमान हैं उन सबों के हृदय में मैं बुद्धि देता हूं, जिससे जितनी वस्तुओं की आज्ञा मैंने तुझे दी है उन सबों को वे बनाए, अर्थात मिलाप वाला तंबू, साक्षी पत्र का संदूक और उस पर का प्रायश्चित वाला ढकना, और तंबू का सारा सामान और सामान सहित मेज और सारा सामान समेत चोखे, सोने की दीवट और धूपवेदी और सारे सामान सहित होमवेदी और पाए समेत हौदी और काढ़े हुए वस्त्र और हारून याजक के याजक वाले काम के पवित्र वस्त्र और उसके पुत्रों के वस्त्र और अभिषेक का तेल और पवित्र स्थान के लिए सुगंधित धूप, इन सबों को वे उन सब आज्ञाओं के अनुसार बनाए जो मैंने तुझे दी है। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तू इसराइलियों से यह भी कहना कि निश्चय तुम मेरे विश्राम दिनों को मानना, क्योंकि तुम्हारी पीढ़ी पीढ़ी में मेरे और तुम लोगों के बीच यह एक चिन्ह ठहरा है, जिससे तुम यह बात जान रखो कि यहोवा हमारा पवित्र करने हारा है। इस कारण तुम विश्राम दिन को मानना, क्योंकि वह तुम्हारे लिए पवित्र ठहरा है। जो उसको अपवित्र करे वह निश्चय मार डाला जाए। जो कोई उस दिन में कुछ कामकाज करे वह प्राणी अपने लोगों के बीच से नाश किया जाए। छह दिन तो कामकाज किया जाए, पर सातवां दिन परम पवित्र का दिन और यहोवा के लिए पवित्र है। इसलिए जो कोई विश्राम के दिन में कुछ कामकाज करे वह निश्चय मार डाला जाए। सो इस्राएली विश्राम दिन को माना करे, वरन पीढ़ी पीढ़ी में उसको सदा की वाचा का विषय जानकर माना करे। वह मेरे और इस्राएलियों के बीच सदा का एक चिन्ह रहेगा, क्योंकि छह दिन में यहोवा ने आकाश और पृथ्वी को बनाया और सातवें दिन विश्राम करके अपना जी ठंडा किया। जब परमेश्वर मूसा से सिनै पर्वत पर ऐसी बातें कर चुका, तब उसने उसको अपनी उंगली से लिखी हुई साक्षी देने वाली पत्थर की दो तकिया दी।